राजकीय अंबेडकर चिकित्सालय की लैब में रविवार रात को लैब में कार्य कर्मचारियों के साथ एक रोगी परिजन द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारियों ने मारपीट की घटना को लेकर देर रात को ही ड्यूटी डॉक्टर के साथ साथ लैब इंचार्ज को शिकायत दी गई है। उधर घटना से आक्रोशित था अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर पैथोलॉजी लैब के कर्मचारियों ने सोमवार सुबह पीएमओ को लिखित शिकायत देते हुए करीब 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। उधर कर्मचारियों की ओर से किए गए कार्य बहिष्कार की जानकारी मिलते ही कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर पीएम बोहरा ने लैब पहुंचकर कर्मचारियों की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने तथा दोषी के खिलाफ सिटी थाने में लिखित शिकायत देने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार पैथोलॉजी लैब के एलडी कौशल कुमार श्रीमाली व लक्ष्मण सैनी रविवार देर रात को लैब में ड्यूटी पर तैनात थे। जानकारी मिली है कि सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक रोगी का परिजन नया गांव रासपाली निवासी अजीत पुत्र नातू का था। रोगी का ब्लड सैंपल लेकर लैब पहुंचा। इस दौरान अजीत ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी कौशल से सैंपल की रिपोर्ट हाथों हाथ देने की बात कही। इस पर कौशल ने उसे बताया कि इसकी जांच की जाकर वार्ड में भेज दी जाएगी। कर्मचारियों की बात सुनकर अजीत तेश में आ गया और उसने कौशल को भला बुरा कहते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान साथी कर्मचारियों ने उसे छुड़ाया। बीच बचाव के दौरान अजीत ने लक्ष्मण सैनी के साथ भी मारपीट कर डाली। अजीत के बाद अजीत मौके पर भाग गया। मारपीट के दौरान अजय अपने साथ हुई मारपीट की घटना से आहत कौशल ने देर रात को ही इसकी शिकायत ड्यूटी डॉक्टर तथा इंचार्ज को दी। उधर सोमवार सुबह जब इसकी जानकारी लैब में कार्यरत कर्मचारियों को हुई तो सभी ने एसटीए दिनेश कुमार के सानिध्य में सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक कार्य बहिष्कार कर दोषी रोगी परिजन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने तथा रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। 3 घंटे के कार्य बहिष्कार के दौरान लैब में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई जिसके कारण रोगियों तथा परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में जब अस्पताल के कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर पीएम बोहरा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि संदर्भ में शिकायत मिली है, जांच की जा रही है, साथ ही दोषी रोगी परिजन के खिलाफ सिटी थाने में शिकायत दी जा रही है। कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन से अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी पर स्टाफ लगाने की मांग की जा रही है। हालांकि पूर्व में भी इस बाबत मांग की गई थी लेकिन स्टाफ की कमी के चलते अब तक यहाँ पर पुलिसकर्मी को तैनात नहीं किया गया है। रात में फीमेल सर्जिकल वार्ड से ये कहना क्या होता है कि पेशेंट का अटेंडर सैंपल लेके आया। मेरे साथी मेल मेडिकल के अंदर बीटीसीटी करने गए हुए थे लक्ष्मण जी। मैंने उसको कहा कि भाई तेरे सैंपल की जांच लगा के हम फीमेल सर्जिकल वार्ड में जहाँ होगा जब है ना पहुँचा देंगे, भिजवा देंगे। लेकिन वो है ना क्या बोलते हैं कि दारू के नशे में दूध था और है ना मेरे से बदतमीजी जो मेरे से माँ बहन की गालियां बोलने लग गया। बोले मुझे जांच अभी की अभी चाहिए। मैंने कहा जहाँ जांच तेरी जहाँ है वहाँ है ना दे दी जाएगी। इतने में मैं कुर्सी पर बैठा था, उसने मेरी थप्पड़ मार दी जिससे मुझे यहाँ निशा ना यहाँ और यहाँ से मेरे खून आने लग गया और मेरे साथ में है ना क्या बोलते हैं कि ने हाथापाई शुरू कर दी। इसकी मैंने रिपोर्ट रात में है ना क्या बोलते हैं कि ड्यूटी डॉक्टर को नर्सिंग सुपर को और है ना क्या बोलते हैं कि ने पुलिस में कार्रवाई ना पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वाले उसको लेके गए और पापा है ना क्या बोलते हैं कि 10-12 लड़के आके मेरे पे दबाव बनाने लग गए कि है ना क्या बोलते हैं कि आप ये गरीब आदमी है इसकी रिपोर्ट वापस लो। इस प्रकार रात में है ना माथापोड़ी हो जाएगी या कहना किसी स्टाफ को है ना मार पीट करके है ना जाना है ना ये हम लोगों के है ना खिलाफ है। हम पूर्ण असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लेब के अंदर है ना 24 आवर्स गार्ड और डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सात आदमी छुट्टी पे सीनियर डॉक्टर नहीं, मेरे को मेरी जानकारी में नहीं आया। सुबह यहाँ स्टाफ ने बताया कि रात को स्टाफ के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ और इनकी जो भी समस्या उनको सोल्व करके और इनके साथ आगे से ऐसा नहीं हो उसके लिए मैं हम कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में पुलिस चौकी है, उसमें पुलिस की ड्यूटी लगाने के लिए पहले भी कहा और अब भी हम और एक बार रिक्वेस्ट करेंगे साहब से और आगे जब भी समस्या का समाधान होगा वो आपको बता देंगे। हमारी पहचान 21 वर्षों का विश्वास, जी हां खुल गया अब आपके शहर में अलकापुरी वालों का नया भव्य शोरूम। कल्याणकारी इंपोर्टेड क्रॉकरी, ब्रांडेड स्टील के बर्तन, अमेरिकन टूरिस्टर लगेज एवं गिफ्ट आर्टिकल का विशाल शोरूम, क्वालिटी व वैरायटी का अनूठा संगम, प्रेस्टीज, मिल्टन सेलो, बोरोसिल, टेओ, क्लेक्राफ्ट, ओशियन, श्री एनसेम के बेहतरीन डिजाइनर प्रोडक्ट, साथ ही हाई क्वालिटी के डिजाइनर होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट, डिजाइनर फैंसी क्रॉकरी, कुकर, मिक्सी, विभिन्न ब्रांडेड गिफ्ट आइटम,
लेडीज पर्स, गिफ्ट, परफ्यूम, डीओ, इंटरनेशनल ब्रांड के टॉयज, गेम्स, स्कूल बैग्स, टिफिन, वाटर बॉटल, गॉड मूर्तियां, होम डेकोर, सफर बैग में अमेरिकन टूरिस्टर, लगेज, ट्रॉली बैग के बेहतरीन श्रृंखला, बेस्ट क्वालिटी, वाजिब दाम, होम डिलीवरी के साथ। तो आज ही चले आए कल्याणकारी, प्रथम मंजिल, गुरुकृपा टावर, पीसी ज्वेलर्स के सामने, मिशन ग्राउंड रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 7597225079214668678।